नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। चाइना और अफगानिस्तान। अच्छा, तो इनमें से फेवरेट कौन सी है आपकी? इंडिया। ओ, इंडिया बड़े प्यार से बोला है, क्यों फेवरेट है? क्योंकि इंडिया का सब कुछ ही बहुत अच्छा है। इंडियंस, मैं यही कहूँगी, मैं ये बताना चाहती हूँ इंडियंस को कि हमारे पाकिस्तान में बहुत खूबसूरती है। इंडिया में जो सिख हैं, उफ, दे आर लव। इंडियंस अच्छे होते हैं? हाँ, इंडियंस अच्छे होते हैं, शादी के काबिल होते हैं। डाउट हो रहा है, मुझे तो डाउट हो रहा है, आप भी तो नहीं इंडिया? नंबर दिलवाते हैं फिर वहाँ पर किसी का, इंडियन इंडियन का? हाँ। मैं नंबर दिलवाऊँ? हाँ। चलो यार, किसी को अगर ये पसंद आती है तो यार दे दो इसको अपना नंबर। क्या आप इंडिया विजिट के लिए जाना चाहेंगे? ऑफ कोर्स जाना चाहूँगी यार, बांकिरा मैंने बहुत सारी सुना है। इंडियन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जज्बा रखते हैं, बहुत प्यार रखते हैं और बहुत मोहब्बत रखते हैं। हमें जाने का मौका मिले या उनको आने का मौका मिले तो फिर तुसी देखो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। इंडियन लड़के पसंद है या चाइनीज लड़के? चीनी चीनी बाय बाय इडियट्स, राइट? क्योंकि मुझे चाइनीज बिल्कुल पसंद नहीं है। और सेकंड लड़के मुझे कोई पसंद है, मुझे इंडियन लड़के बहुत पसंद है। मुझे ये बताओ कि दूसरे मुल्क में जाके बॉर्डर पार ससुराल ठीक है? यू आर ओके विद दैट? या, हमारा पाकिस्तान भी बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे खूबसूरती भी बहुत है। हमारी होस्ट को देख लें, एग्जैक्टली हमारे गेस्ट को देख लें, तो बस ये कहना चाहूंगी कि हम बहुत प्यारे लोग हैं। उफ, दे आर लव। इंडिया, आई विल गो विद द इंडियंस। इंडियन, हिंदुस्तान का नाम लेते ही पाकिस्तान में महिलाएं और लड़कियों का रिएक्शन दिल से आता है। इंडियन लड़के बहुत पसंद है। क्या है पाकिस्तान की आधी आबादी के दिल की बात, आप भी देखिए। इंडिया एक वायलेंट कंट्री है? नो नो, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो नहीं लगता। क्या रीजंस है जो आपको नहीं लगता? क्या रीजंस हैं? क्योंकि देखिए, अच्छे बुरे लोग हर कंट्री में होते हैं, तो पाकिस्तान में भी बहुत हैं, इंडिया में भी बहुत हैं। नो डाउट पाकिस्तान भी बहुत अच्छा है, बट इंडिया भी किसी से कम नहीं, इंडिया भी बहुत अच्छा है, पाकिस्तान भी बहुत अच्छा है और इंडिया भी बहुत अच्छा है। अगर हम अपनी ये सोच को बदलेंगे तभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो क्लैशेज हैं वो दूर हो जाएंगे। ओके, पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? इंडिया, चाइना और अफगानिस्तान। अच्छा, तो इनमें से फेवरेट कौन सी है आपकी? इंडिया। ओ, इंडिया बड़े प्यार से बोला है, क्यों फेवरेट है? क्योंकि इंडिया का सब कुछ ही बहुत अच्छा है, मसलन फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, उनके लोग बहुत अच्छे हैं, उनके खाने बहुत मज़े के हैं। खाया कभी? हाँ, कभी क्या खाया? मैंने उनके बम्बे बिरयानी खाई है। यानी कि वही चीज़, अगर वो आपके लिए इस्लाम कबूल करने को तैयार है तो आप शादी के लिए तैयार हो? यस, मैं तो भाग के शादी कर लूँगा अगर वो मेरे लिए इस्लाम कबूल करने को। राहिल, माशाल्लाह से आप बहुत खूबसूरत लगे। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे बताएं क्या चल रहा है आज? कुछ भी नहीं, बस शादी शॉपिंग। आपकी शादी? हाँ जी। छोटी सी लग रही हैं आप। मैं एक डॉक्टर हूँ। माशाल्लाह। अच्छा जी, डॉक्टर साहिबा, ये बताएं कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं? इंडिया के बारे में हम अच्छा ही सोचते हैं ऑब्वियसली, और हम यही उम्मीद रखते हैं कि हमारे ताल्लुकात अच्छे रहें, बिकॉज हमारी नेबरिंग कंट्री एंड वी हैव सो मच हिस्ट्री विद इंडिया, तो वी जस्ट होप कि सब अच्छा रहे। आजकल क्योंकि मैं शादी शॉपिंग कर रही हूँ तो सब ये साची मेरे माइंड में आता है, क्योंकि मुझे इंडियन ब्राइड्स बहुत पसंद है। मुझे जो इंडिया के बारे में चीज़ इंस्पायर करती है वो ये है कि इंडिया तरक्की बहुत जल्दी कर रहा है, और मैं यही चाहूँगी कि इंस्टेड ऑफ़ यू नो एनवीइंग देयर सक्सेस, हम भी उस तरफ जाएँ। और द फैक्ट कि इंडिया में लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, तो मैं चाहूँगी कि पाकिस्तान उस चीज़ पे यू नो अमल करे और अपना लिटरेसी रेट बढ़ाए। अच्छा भैया, ये बताएं, अगर आपको इंडिया जाने का चांस मिले, इंडिया विजिट करने का चांस मिले, तो जाएंगी, विजिट करेंगी, और अगर जाएंगी तो क्या एक्सप्लोर करेंगी? डेफिनेटली आई वुड लव टू गो। इंडिया बहुत अच्छी जगह है और मैं ज़रूर जाना चाहूँगी। और मैं विजिट जो है स्पेसिफिकली मेरा यही इंटरेस्ट है वहाँ के मंदिर देखने का, पाकिस्तान में भी हैं लेकिन इंडिया में जिस तरह से वो मूवीज़ वगैरह में देखे हैं तो मेरा बड़ा दिल करता है देखने को इस तरह की जगह, तो वही देखना बस। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर वजीहा आपको इंडिया से एक प्रपोज़ल आए, मैरिज प्रपोज़ल, और आपकी तमाम तर रिक्वायरमेंट जो कि आप एक लड़के में देखती हैं वो आपकी पूरी हों उस लड़के के साथ, तो क्या करेंगी आप, कंसिडर करेंगी? यार बिल्कुल, इंसान है, लड़का है, अगर मेरी रिक्वायरमेंट्स के बिल्कुल एन मुताबिक है तो डेफिनेटली आई वुड गो फॉर दैट। मैं खुद वहाँ चली जाऊँगी, क्योंकि घर जमाई बनाना अच्छी बात नहीं है, और उसके साथ रहना ज़्यादा अच्छी बात है हस्बैंड के साथ। हाँ, वहाँ चली जाएगी? मैं चली जाऊँगी। बड़ा पाव खाना चाहती हूँ, वो कैसा होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिल्ली घूमना चाहती हूँ, मुंबई घूमना चाहती हूँ, और मेरे दादा बुक से बताते थे कि दिल्ली और मुंबई A1 सिटी है, बहुत अच्छा है और वहाँ पे बहुत अमीर लोग रहते हैं। पाकिस्तान में महिलाओं पर होने वाली यही तरंदगी भारत को लेकर महिलाओं का पॉजिटिव ओपिनियन सेट करती है।
बंदे तो इतने हॉट हैं वहाँ के. बहुत बहुत हॉट है. हाँ वैसे वहाँ के मुझे एक्टर्स बहुत पसंद हैं. वहाँ की पॉजिटिव चीज़ें देखी जाएँ तो मल्टीपल चीज़ें हैं. और ये कि मुझे इंडिया की जगह बहुत पसंद है. वहाँ की वहाँ का कल्चर बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत अट्रैक्ट करता है. कौन सी जगह पसंद है? मुझे वहाँ कलकत्ता, गोवा, और मुझे मुंबई की गलियाँ और वहाँ का वो एक दिल्ली गेट, बहुत मुझे बहुत सारी चीज़ें वहाँ की पसंद है. हनीमून पे जाना पसंद करेंगी? आई वुड लव टू. और क्या क्या पसंद है? और मुझे वहाँ पे वहाँ के स्ट्रीट फूड्स पसंद है. मुझे मंदिर, वहाँ के मंदिर जाने का बहुत शौक है. और अजमेर शरीफ जाने का. बहुत सी जगह हैं, मतलब वहाँ पे तो एक लिस्ट बनाई जाए, पूरी काउंट की जाए. बहुत, इंडिया तो बहुत बड़ा है, बहुत बहुत प्यारी जगह है. बंदा मिल गया इंडिया का, क्या करोगी? बंदा मिल गया तो मैं उसके साथ इंडिया एक्सप्लोर करूँगी. इंडिया का बंदा हो? हाँ, इंडिया हिंदू हो. हाँ, मैं इसके साथ एक्सप्लोर करूँगी. मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, नई नई जगह मिलेंगी, और उसको तो ज़्यादा पता होगा. मुझे शाहरुख खान पसंद है, लेकिन वो इस तरह से नहीं पसंद. मतलब बाप की जगह पसंद है वैसे. हाँ, उनका बेटा यस करवा दें. उनका बेटा छोटा है अभी, ये बड़ा वाला. बड़े वाला यस करा दूँ. यार अगर यस मैंने तुम्हारे लिए कराना है तो फिर मेरे अंदर कौन सा लड़की रू नहीं है, मैं अपने लिए ना करवा दूँ. बहुत अच्छा रहा. और इंडिया में हर चीज़ डिफरेंट है. यहाँ पे आपको शलवारों कमीज़ों में लड़कियाँ नज़र आती हैं, वहाँ पे आपको बिल्कुल चेंज नज़र आती हैं. उनकी लैंग्वेज हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है. उनके खाने बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, उनके पकाने का अंदाज़ बहुत डिफरेंट है. हम एक टाइम में एक सालन खा रहे होते हैं, वो एक टाइम में पता नहीं कितने ज़्यादा सालन खा रहे होते हैं. और हमारी तरह ही हैं, मिलनसार हैं, अच्छी तरह उठते बैठते हैं और इज्जत करते हैं कि बाहर से पाकिस्तान आए हैं. तो ये सोचूँ कि मैं, लेकिन वाकई अगर इंडिया से रिश्ता आए तो, अगर अच्छा रिश्ता आए तो मैं कर लूँगी. लेकिन मुझे कोई पसंद है, मुझे इंडियन लड़के बहुत पसंद है. फॉर एग्जाम्पल, एक ड्रामा एक्टर है अभिषेक मलिक, ही इज क्यूट, ही इज हैंडसम, और वो बहुत गुड लुकिंग है. ठीक है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है. और हाँ जी, और उसके अलावा अगर मुझे कोई पसंद है तो दैट इज रणबीर कपूर. और ऋतिक रोशन का डांस तो बहुत ही फेमस है, और शाहिद कपूर का तो ना पूछें, जो उसने कबीर सिंह में एक्टिंग कर दी है. उसके अलावा आउट क्लास एक्टिंग है. इंडियंस में कैसे बियर्ड है ना यार, और ये वाली जो एक्सप्रेशन देते हैं वो तो गुज्जर टाइप नहीं लगते ऐसे ऐसे वाले? जरूरी नहीं है कि गुजरों की ही ऐसी दाढ़ी होती है या मूंछें होती हैं. वाले क्यूट लगते हैं? हाँ, क्यूट नहीं मतलब यार, दिखने में तो वो बड़े गब्बर सिंह लगते हैं, लेकिन लड़कियों के मामले में बहुत शाये होते हैं. इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम.